हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे फिल्म दिल का रिश्ता के बारे में, मतलब इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट के बारे में बताऊंगा। इस फिल्म के बारे में मेरा छोटा सा रिव्यू भी शेयर करूंगा और आखिर में इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट भी बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, सो वीडियो को पूरा देखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, दिल का रिश्ता आज से ठीक 21 साल पहले मतलब 17 जनवरी 2003 को रिलीज हुआ था। फिल्म के लीड रोल में थे अर्जुन रामपाल, ऐश्वर्या राय, प्रियांशु चटर्जी, राखी गुलजार, परेश रावल, टिकू तलसानिया, ईशा कोप्पिकर और भी बहुत सारे सह कलाकार इस फिल्म में थे। दिल का रिश्ता बेसिकली एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया था नरेश मल्होत्रा ने और प्रोड्यूस किया था सबीर बक्सवाला और आदित्य राय ने। फिल्म का म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने और गाने लिखे थे समीर ने। फिल्म का बजट था 8.25 करोड़ और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे इनकम किया था 56 लाख और पहले वीकेंड के बाद इस फिल्म का कलेक्शन था 1.76 करोड़ और पहले वीक के बाद इस फिल्म का कलेक्शन था 2.90 करोड़ और इस फिल्म का ओवरऑल नेट इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन था 5.53 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पे एक फ्लॉप फिल्म साबित हुआ था। स्क्रीनशॉट है, अगर आप लोग चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। डिस्पाइट बीइंग ए बॉक्स ऑफिस फ्लॉप, अगर इस फिल्म के बारे में मैं अपना छोटा सा रिव्यू शेयर करूं, एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा फिल्म है दोस्तों। ये फिल्म मुझे खास पसंद है, मतलब इसमें सब कुछ है, मतलब अच्छे गाने हैं, अच्छे परफॉर्मेंस है, रोमांटिक एंगल बहुत ही बढ़िया है, मतलब केमिस्ट्री अर्जुन रामपाल, ऐश्वर्या राय, प्रियांशु चटर्जी, इन तीनों का जो केमिस्ट्री है, मतलब बेसिकली प्रियांशु चटर्जी और ऐश्वर्या राय का जो पोर्शन है ना, जब उनका जो बीच में जो केमिस्ट्री चलता है बहुत ही बढ़िया है, और अर्जुन रामपाल के साथ ऐश्वर्या राय की केमिस्ट्री, सब कुछ मिला के एक परफेक्ट फिल्म है। इसमें कॉमेडी भी है, इस फिल्म में अच्छे लोकेशन में ये फिल्म शूट किया गया है, साउथ अफ्रीका में कुछ पोर्शन इस फिल्म का शूट किया गया है। सब कुछ मिला के एक परफेक्ट फिल्म है। ऐश्वर्या राय की काम बहुत ही बेहतरीन है इस फिल्म में, अर्जुन रामपाल ने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है, प्रियांशु चटर्जी ने बहुत ही बेहतरीन, दोस्तों सबसे बढ़िया लगा प्रियांशु चटर्जी का काम। हालांकि उनका रोल ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी जितने वक्त वो थे बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने किया। जब आप लोग इस फिल्म को देखोगे आप खुद ही इस बात को मानोगे। परेश रावल ने कॉमेडी पोर्शन बहुत ही बेहतरीन किया इस फिल्म में। राखी गुलजार ने भी बहुत ही बढ़िया काम इसमें किया है। सभी का काम बेहतरीन है इस फिल्म में। ओवरऑल एक खूबसूरत, एक प्यारा सा फिल्म है, एक नाइस एंटरटेनिंग मूवी। अगर आप लोग रोमांटिक मूवी पसंद करते हो म्यूजिक अच्छे गाने के साथ, अगर रोमांटिक मूवी देखना पसंद करते हो, डेफिनेटली आप लोग इस फिल्म को देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा राय इस फिल्म के बारे में। और अब दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट। इस फिल्म में पहले ईशा कोप्पिकर के रोल के लिए लीजा रे के बारे में सोचा गया था, लेकिन बाद में मेकर्स ने माइंड चेंज किया और फाइनली ईशा कोप्पिकर को ही कास्ट किया लास्ट में। इस फिल्म में पहले प्रियांशु चटर्जी के रोल के लिए फरदीन खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। उसके बाद ये रोल गया था राहुल खन्ना के पास, उन्होंने भी इस रोल को करने से मना कर दिया। उसके बाद ये रोल गया था आर मधुबन के पास, उनके मना करने के बाद फाइनली ये रोल आया प्रियांशु चटर्जी के पास और उन्होंने इस रोल को निभाया, मतलब राज का कैरेक्टर उन्होंने फाइनली प्ले किया। ये फिल्म राखी गुलजार की लास्ट बॉलीवुड फिल्म थी, इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद किसी भी फिल्म में आज तक नज़र नहीं आई है वो। दोस्तों, ये था कुछ फैक्ट इस फिल्म के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसी फिल्म के बारे में अगर जानना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। टिल देन दोस्तों, टाटा बाय, जय हिंद, टेक केयर, स्टे कूल मैन।